हाय, हाउ आर यू? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो सीएमई इंटरमीडिएट ग्रुप वन एंड ग्रुप टू दोनों के लिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कुछ फैकल्टीज के नाम सजेस्ट करूंगा और कुछ मैं बुक्स आपको सजेस्ट करूंगा जिससे आप हेल्प ले सकते हो। अगर आप बाई सेल्फ करना चाहते हो तो आपको वो नोट्स रेफर करना चाहिए जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो आपको आप मैं जो आपको टीचर सजेस्ट कर रहा हूँ आप उनसे आप क्लासेस ले सकते हो। अदरवाइज किसी और टीचर से भी आप क्लास ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है। हाँ, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि सर इंटरमीडिएट के लिए भी टीचर्स को सजेस्ट करो। तो मैं इंटरमीडिएट के लिए जो मुझे मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और जो मैंने सीएमए जर्नी के दौरान जो कुछ ऑब्जर्व किया है वो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप बाय सेल्फ भी कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको क्लासेस लेनी चाहिए, एंड अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो। वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज भी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट आज इस वीडियो में मैं टीचर्स के बारे में, नोट्स के बारे में बताऊंगा कि अगर बाय सेल्फ करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो, या फिर आप अगर क्लास लेना चाहते हो किस फैकल्टी के पास आपको जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ एंड मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ। हम वन बाय वन हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो सबसे पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। तो सबसे फर्स्ट क्या है, सबसे फर्स्ट हमारा जो, अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूँ, देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए सीएमए के लिए अगर आप क्लासेस लेना चाहते हो तो क्लासेस के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप संतोष कुमार सर की आप क्लासेस ले सकते हो, संतोष कुमार। ओके, ये स्पेशली सीएमए के लिए क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, तो आप यहाँ पे आप ले सकते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। एंड अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो तो बाय सेल्फ के केस में मेरे पास कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई बुक नहीं मिला है जिससे आप बाय सेल्फ कर सकते हो। हाँ, बट एक बुक है मार्केट में हनीफ एंड मुखर्जी की, ये स्पेशली सीएमए के लिए नहीं आता है। ठीक है, ये एक बुक आती है जो सबके लिए आती है, कोई भी इस बुक को रेफर कर सकता है, चाहे वो सीएमए कर रहा हो, सीए कर रहा हो, सीएस कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, एमकॉम कर रहा हो, हर पर्सन इस बुक को रेफर कर सकता है। इसके दो वॉल्यूम आती थी पहले, अभी लेटेस्ट में कितनी वॉल्यूम आ रही है ये मुझे पता नहीं है, बट हाँ अब ये बुक मार्केट में भी आ रही है, कुछ बच्चों ने इसे परचेज किया भी है, तो आप इस बुक को आप रेफर कर सकते हो। मैंने भी अपने टाइम में परचेज किया था कि कुछ कॉन्सेप्ट को रेफर करने के लिए, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया गया है, समझाया गया है, तो बाय सेल्फ के लिए आप इसको रेफर कर सकते हो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ओके, एंड इसके अलावा अगर आप बाय सेल्फ कर रहे हो तो आपको स्कैनर तो जरूर करना ही चाहिए, बिकॉज स्कैनर इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड नेक्स्ट फिर हम अगर हम बात करें जो हमारा सेकेंड सब्जेक्ट लॉ के लिए, तो अगर मैं लॉ के लिए आपको बोलूँ तो लॉ के लिए मेरे पास अभी बाय सेल्फ एंड क्लासेस दोनों में से कोई ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज मुझे अभी तो कोई ऐसा टीचर लगा नहीं जिसका नाम मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आप अपने फ्रेंड्स से पूछ सकते हो जो ऑलरेडी किसी टीचर से क्लासेस ले रहे हो, बिकॉज मैंने जिस टीचर से क्लासेस लिया है मैं उसका नाम आपको नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा इस सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज लॉ का सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है एंड मैक्सिमम टीचर्स लॉ के सिलेबस को कम्प्लीट नहीं करवा पाते हैं, तो इसी वजह से मैं किसी टीचर का नाम आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे ऑब्जर्वेशन में दिल्ली में ऐसा कोई टीचर नहीं है जो सीएमए को स्पेशली पढ़ाता हो और सिलेबस का कवरेज उसका 100% हो, इसी वजह से मैं इसमें से किसी टीचर का नाम मैं आपको सजेस्ट नहीं कर पा रहा लॉ के लिए। अगर हम नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो आप एक सुमित्र स्टोगे सर से भी आप क्लास ले सकते हो, अगर आप क्लास लेना चाहते हो, या फिर चंद्र द्रुजा, इन दोनों में से आप किसी भी टीचर से आप क्लास ले सकते हो, दोनों टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो तो आप स्टडी मैट, ठीक है, बाय सेल्फ करना चाहते हो तो एक ऑप्शन है स्टडी मैट प्लस स्कैनर प्लस MTP, आप ये सब कुछ आप करो। ओके, बट इसमें एक और अदर ऑप्शन है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, बिकॉज देखो स्टडी मैट में क्वेश्चंस की कवरेज भी कम है एंड कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिटेल्स में डिस्कशन नहीं किया गया है,
एंड आपके पास प्रैक्टिस सेट कम होगा, बिकॉज आप स्टडी मैट में देखो तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एंड स्कैनर्स में भी आपको बहुत क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बिकॉज लास्ट 5 to 6 अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपके लिए रिलेवेंट होंगे। तो इसलिए अगर आप चाहिए कोई एक परफेक्ट सेल्फ स्टडी के लिए आपके लिए बुक, तो आप आशीष कारला सर की आप बुक ले सकते हो। अगर आप बाय सेल्फ चाहते हो कोई परफेक्ट बुक जो आपको सीएमए में एक अच्छा मार्क लाने में हेल्प करे, तो आप आशीष कारला सर की आप बुक ले सकते हो। मैंने अपने टाइम में बुक लिया था एंड मैंने इसकी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हमारी डायरेक्ट टेक्स्ट की, तो डायरेक्ट टेक्स्ट में अगर आप बाय सेल्फ अगर आप क्लासेज करना चाहते हो, तो क्लासेज के केस में आप सूरज अग्रवाल सर के क्लास ले सकते हो। ये दिल्ली के टीचर हैं एंड दिल्ली से पढ़ाते हैं, इनके पेन ड्राइव क्लासेस भी अब आ रही है सूरज अग्रवाल सर। एंड अगर आप इसके अलावा अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो, तो बाय सेल्फ के लिए आप क्या कर सकते हो, आप स्टडी मैट प्लस स्कैनर ये सब जो भी है उसको आप रेफर कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई रेफरेंस बुक चाहिए, तो रेफरेंस बुक के लिए मैं आपको बोलूँगा गिरीश आहूजा सर की बुक आती है भारत पब्लिकेशन की, गिरीश आहूजा सर की बुक आती है भारत पब्लिकेशन की, आप इनके बुक को आप रेफर कर सकते हो। ये बुक सीए सीएमए सीएस सबके लिए आती है, कॉमन बुक आती है एंड बहुत अच्छी बुक है। मैंने ये बुक यूज कर चुका हूँ, एक्चुअली मैं बहुत सारी बुक्स यूज कर चुका हूँ अपने टाइम में, तो इसलिए आपको लगता होगा कि सर ने सारी बुक यूज करके, डेफिनेटली जो मैं बुक यूज कर चुका हूँ उसी के बारे में मैं आपको रेफर करता हूँ, अदरवाइज नहीं। एक्चुअली बुक परचेज करने में मैं बहुत एक्सपर्ट था, मैं बहुत बुक मैंने परचेज की है इंटर लेवल पे फाइनल लेवल पे, तो मैंने बहुत सारे राइटर्स की बुक पढ़ी है अपने टाइम में, मुझे एक बुक से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। इसके अलावा अगर मैं ग्रुप टू में बात करूँ, तो ग्रुप टू में हमारा एक सब्जेक्ट आता है ओएम एंड एसएम। अगर मैं ओएम एसएम की बात करूँ, तब ओएम के लिए आप जा सकते हो अमरिंदर सर का। अमरिंदर सर जो है ये सूरज अग्रवाल क्लासेज में ही पढ़ाते हैं, यहाँ पे आपको ओएम एसएम की क्लासेज आपको मिल जाएगी अमरिंदर सर के यहाँ। और अगर आप सेल्फ करना चाहते हो, तो फिर आप स्टडी मैट से ही कर सकते हो, सेल्फ स्टडी मैट प्लस स्कैनर से, ठीक है आप। लेकिन हाँ, इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एसएम के लिए, बिकॉज एसएम में और ओएम में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो आप किसी टीचर का आप नोट्स रेफर कर लो, जिससे आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट याद करने में इजी होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो हम आईडीटी की अगर हम बात करें, तो आईडीटी के लिए मैं आपको बोलूंगा प्रियंका सक्सेना से अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, प्रियंका सक्सेना मैम से आप क्लास ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको बाय सेल्फ करना है, तो स्टडी मैट आपकी सफिशियंट है, स्टडी मेट प्लस आप स्कैनर आप कर सकते हो, ओके और प्लस एमटीपी ये सारे कुछ आपको करने चाहिए। इसके अलावा अगर मैं अदर सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ, तो हमारा एक आता है, हमने ओएमएसएम कर लिया। इसके अलावा एक हमारा यहाँ पे भी आता है कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। तो यहाँ पे अगर आप क्लासेज लेना चाहते हो, तो क्लासेज के लिए सेम टीचर है जो मैंने ग्रुप वन में आपको रेफर किया था कॉस्टिंग के लिए। एंड अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो, तो आप स्टडी मैट या फिर आप स्कैनर ये सबको आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप बुक चाहते हो कोई रेफरेंस बुक, तो बुक के लिए मैं आपको बोलूँगा आशीष कारला सर की आप बुक ले लो, इनकी ना एफएम की भी बुक आती है और कॉस्टिंग की बुक, आपने जो भी एक आप कॉस्टिंग के बुक लो प्लस एफएम के बुक लो, आपका ग्रुप वन ग्रुप टू दोनों कवर हो जाएगा, क्योंकि कॉस्टिंग के बुक में सारे चैप्टर्स कवर है, जो पुराने वाली बुक है जो मैंने आपको दिखाया है अपनी वीडियोज में, उसमें सब कुछ कवर है। एंड अगर आपको इसके अलावा एक हमारा लास्ट बच जाता है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट के लिए अगर आप क्लास लेना चाहते हो, तो आप संतोष सर से ही आप क्लास लो, बिकॉज काफ़ी टाइम से सर पढ़ा रहे हैं और अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने इनका रिव्यू दिया है, अच्छा रिव्यू दिया है। एंड यहाँ ऑडिट आपको निखिल सर मिल जाएंगे ऑडिट के लिए, ठीक है। अब मैं कुछ स्टूडेंट होगा, अगर आप बाय सेल्फ करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप स्टडी मैट के साथ आप कर सकते हो, एंड इसके अलावा साथ में आप हनीफ एंड मुखर्जी की आप बुक रेफर कर सकते हो, बिकॉज जो आप हनीफ एंड मुखर्जी की आप बुक लोगे, वो सारे एग्जाम में एप्लीकेबल है आपका, उसमें सब कुछ कवर होगा, उसकी दो वॉल्यूम आती है,
तो 2 वॉल्यूम मिला के सब कुछ कवर हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा कि सर हम कौन से सब्जेक्ट बाई सेल्फ यहाँ से कर सकते हैं, तो बाई सेल्फ के लिए मैं आपको, देखो लॉ के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप बाई सेल्फ करो, बिकॉज लॉ का सिलेबस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, एंड बाई सेल्फ करने में आपको रिटेन करने में प्रॉब्लम होगा, बिकॉज चीजों को लंबे समय तक याद करने के लिए क्लासेस जरूरत पड़ती है। तो आप लॉ के लिए बाई सेल्फ नहीं करो तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए। लॉ के लिए, अकाउंट के लिए भी मैं बोलूंगा, डायरेक्ट टैक्स के लिए भी बोलूंगा, अगर डायरेक्ट टैक्स आप फर्स्ट टाइम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम आए, तब इंटर में आप क्लासेस ले लो, फाइनल में आप भले क्लासेस स्किप कर देना, बिकॉज देखो फाइनल और इंटर एक दूसरे से लिंक है। अगर आपने इंटर में अपना बेस अच्छा सा क्रिएट कर लिया है, तो आपको फाइनल में स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, फाइनल में आपको मेहनत कम करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटर में, अगर आपने अच्छे टीचर से, अगर आपने क्लास ले लिया है, अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, तो फाइनल में आप स्किप कर भी सकते हो, आप नोट्स के साथ आप रेफर कर लोगे। तो ऐसा नहीं कि आप इंटर में पढ़ के आप पास कर गए तो उसके बाद आपका कोई वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा वो नॉलेज का, वो डेफिनेटली आगे भी यूटिलाइज होगा एंड पास आउट होने के बाद भी होगा। हाँ, यहाँ मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप OM एंड SM का सब्जेक्ट जो है उसको आप बाय सेल्फ कर सकते हो। IDT के लिए भी मैं आपको बोलूंगा कि डेफिनेटली आप क्लास लो, बिकॉज IDT एक बहुत बड़ा है और काफी कॉम्प्लिकेशन भी है। यहाँ पे कंपनी एंड अकाउंट एंड ऑडिट के लिए आप कर सकते हो, इसमें ऑडिट का पार्ट आप बाई सेल्फ कर सकते हो। कंपनी अकाउंट के लिए आपको क्लासेस देनी चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ 2 ही ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ मैं आपको बोलूंगा बाई सेल्फ जाने के लिए, बाकी सब के लिए आप क्लासेस नोट्स भी रेफर कर सकते हो। अगर आप क्लासेस नहीं लेना चाहते हो ड्यू टू योर फाइनेंशियल प्रॉब्लम या किसी और रीजन की वजह से, तो आप नोट्स एंड बुक्स आप डेफिनेटली आप रेफर करो। एंड अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए, अगर आप बुक्स को अगर आप रेफर कर रहे हो आशीष कार्ला सर की एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम्स ना आए, आप बाई सेल्फ भी कर लोगे इस बुक की हेल्प की वजह से। तो बाकी तो सब कुछ मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अगर आपको इन सारी नोट्स, अगर बुक्स बाई करना है, तो आपको ना आप गूगल पे सर्च करना, मैं आपको एक गूगल पे आप सर्च करोगे DURGA दुर्गा लॉ हाउस, ये दुर्गा लॉ हाउस दिल्ली लक्ष्मी नगर में है, ठीक है। यहाँ से आपको सारे बुक्स, सारे नोट्स आपको कुरियर में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ कुरियर कर देते हैं इनका, अगर मैं कांटेक्ट डिटेल्स भी है मेरे पास, मैंने मंगवाया भी है। हाँ, इनका कांटेक्ट नंबर है 9996 10202। देखो ये मुझे पर्सनली नहीं जानते, तो आप इनको कॉल करो कि मेरा नाम लोगे तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। आप बस कॉल करके बताना आपको किस चीज़ की नोट्स चाहिए, वो आपको बता देंगे, वो उनके पास है या नहीं है, कितना पैसा लगेगा वो आपको बता देंगे। वो कुछ एडिशनल चार्ज लेते हैं कुरियर करने का, 100 से 150 रुपये, डिपेंड करता है आपका लोकेशन कहाँ बिलोंग करता है। जैसे मैंने दिल्ली से आगरा मंगाया था, तो मुझे 100 रुपये एडिशनल चार्ज उन्होंने लिया था। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पे हो तो हो सकता है थोड़ा एडिशनल अमाउंट और बढ़ जाए। तो आप इनसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, आप इनसे मंगा सकते हो, इनका नंबर है, आप इसको गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, आपको दुर्गा लॉ हाउस आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऑथेंटिकेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मंगाने में, मैंने भी काफ़ी बार मंगा चुका हूँ, तो आप इनसे आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। होप सो मेरी वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करे। थैंक्स, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।